सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। हो गए हैं लेकिन सबसे बड़ा आपका है, आप सरकार बनाइए। 1989 में राजीव गांधी जी ने कहा कि ये बात सच है कि मेरा दल सबसे बड़ा है, बाकी सेकंड नंबर पे बहुत दूर का दल है, लेकिन जनादेश मेरे खिलाफ है। उस नैतिकता का परिचय दिया और कहा मैं सरकार नहीं बनाऊंगा क्योंकि जनता ने मेरे खिलाफ वोट डाला है और किसी और को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। आज क्या हो रहा है, 303 थे, 70 सांसद कम हो गए। तो नैतिकता का जो पैमाना 1989 में तय किया गया था, मैं उसका आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि समय के साथ साथ लोगों को समझना चाहिए कि जनता का रुझान क्या है, जनता क्या सोच के वोट डाल रही है। हम कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अग्निवीर एक गलत स्कीम है, ये जनता पे थोपी जा रही है, संसद में चर्चा नहीं हुई, विशेषज्ञों से आपने चर्चा नहीं करी और पूरे देश में सेना की भर्ती बंद कर आपने अग्निवीर चालू कर दिया। 17 साल के लड़के को नौकरी में डालो, 21 साल का रिटायर, आगे वो क्या करेगा। हमने इसका विरोध किया और ये जनता के मन में बात थी कि ये सरकार हमने बनाई है, हमारे वोट से बनी है, ये हमारे खिलाफ काले कानून बना रही है, ये किसानों को प्रताड़ित कर रही है, किसान आंदोलन करते हैं तो गोली चलती है, बम डाले जाते हैं, उनको पीटा जाता है, केस लगाए जाते हैं, पूरे देश में चर्चा इस बात की थी। तो ये जो गतिरोध पैदा करने की बात है, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। जो वोट पड़ा है, मैं समझता हूँ वो इंडिया अलायंस के पक्ष में पड़ा है, कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है और भाजपा और एनडीए को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे किन कर्मों से हम 300 से 230-240 पर आ गए। बहरहाल इस लोकसभा क्षेत्र में आपने जो असीम प्यार और आशीर्वाद हरीश मीणा जी को दिया, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जब नामांकन के दिन हम बोल रहे थे तो मेरे ख्याल दानिश से बोल रहे थे कि सेवा ने बोला था कि हम इतने से वोट में से भाई, ये दानिश जी और दानकेश जी और इंदिरा जी, ये पूरा एक लोकसभा क्षेत्र है, इसका बंटवारा मत करो, देना मेरा मत करो, ये हमारी सामूहिक जीत है और जितना अधिकार हम लोगों का हरीश जी पे उतना ही आपका है। बल्कि हम तो घर वाले आप क्या मिले लो, हमने चार पे ठीक है, लेकिन आप सब ने मिलकर वोट में विशेष रूप से रामकेश जी आपका, दानिश जी, इंदिरा जी और अशोक बैरवा जी जो हमारे चारों माधोपुर जिले के, इन सभी लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने चुनाव तुरंत खत्म होने के बावजूद भी पूरी ताकत के साथ काम किया। और टोंक जिले में भी हम मालपुर निराई में हम लोग व्रत नहीं बना पाए, लेकिन पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से काम किया। भीषण गर्मी में आप सब लोगों ने संसाधन की कमी, सरकार का दबाव, पूरा प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ सब लोगों ने डरा डाला था। बड़े बड़े मंत्री आए, केंद्र के, राज्य के नेता, अभिनेता सब आए, लेकिन बावजूद उसके एक कांग्रेस की जीत अगर संभव हुई है तो आप सबके दम पर हुई है। हम यहाँ मंच पर बैठ के एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन असल में जो काम आप लोगों ने किया वार्डो में, गांव में, पंचायतों में, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका आभारी हूँ व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं टोंक से विधायक हूँ और हमारे लोकसभा क्षेत्र से अगर कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से मेरे हाथों को ताकत मिलेगी, राहुल गांधी जी के हाथों को ताकत मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।